कम दाने में फैट भी बहुत बेहतरीन होता है। गैप देखिए जो है बहुत बेहतरीन गैप है, नस्लें हैं जी जी, तो इनका जो है 8 से 10 गैप तक तो आसानी से रखा जाता है। भाई ले जाता है कोई सेवा करने के लिए कि वो बेहतर सेवा कर लेगा, इसको हम हाफ रेट में उपलब्ध करा देंगे, 40, 42, 45 जी और जी। 50 के भीतर की सभी हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के जाने माने पशु व्यापारी यादव डेयरी फार्म, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। और इस वीडियो में हम कुछ जर्सी गाय और कुछ साहिवाल गाय और कुछ क्रॉस में गाय जो है सेल के लिए उपलब्ध है। तो इन गायों का कीमत जानेंगे कि क्या इनका कीमत है, कितना डिमांड है, दांत में कितनी है, कितना दिन समय है बच्चा देने में, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर है उनसे हम बातचीत करें। एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल, सभी किसान भाइयों को हमारा राम राम और नमस्कार। मैं ब्रजभान सिंह यादव, यादव डेयरी फार्म, गोसाईगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक ब्लॉक गोसाईगंज पे जो है हमारा फार्म पड़ता है जी जी। जो गोसाईगंज ब्लॉक और पुलिस चौकी रहा, यहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी पे, ब्लॉक से मात्र 200 मीटर पे हमारा फार्म पड़ता है जी। जो मोहलालगंज रोड पे स्थित है। तो आपके पास कौन कौन सी नस्ल की गाय उपलब्ध है? हमारे पास साहिवाल, जर्सी क्रॉस और गिर जी, जर्सी, थारपारकर, राठी, ये गाय जो हमारे पास आसानी से उपलब्ध करती है। और ट्रांसपोर्ट की सुविधा कहाँ कहाँ? ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है हम उत्तर प्रदेश से सटे हुए सभी प्रदेशों में जी, रात हो या दिन हो, 24 घंटे हमारे पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। बाहर से कोई आता है सर? तो बाहर से आता है तो उसके लिए रहने के लिए पूरी व्यवस्था है हमारे पास जी। मंगलवार के दिन, क्योंकि भारी लोड उतरते हैं उस दिन, भारी संख्या में लोग आते हैं, तो उनके लिए मंगलवार के दिन हमारे पास भी उनके लिए खाने की व्यवस्था भी हम उपलब्ध कराते हैं। तो इस गाय के ऑर्डर की बनावट हम आपको करीब से दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं थनों के बीच जो गैप है उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इस गाय को जो है घुमवा करके, कबड़ा नहीं, वो छोटा कबड़ा आगे पड़ा रहा है, जिम्मन डंडू लपेटी रहा है डोरी। तो ये पुरानी जर्सी है जी जी जी, और जितनी ही ये छोटी होती है जी जी, उतनी ही ये दूध में दमदार होती है जी। दूध देने इसकी क्षमता इसकी जो है बहुत जो है इसकी स्थिति से अधिक होती है। मान लीजिए इसका बॉडी जैसे जो है बॉडी वेट कम है जी, जी। हाइट कम है इसका, लेकिन ये दूध बहुत देती है, कम मेंटेनेंस खर्चे में ज्यादा दूध जी जी। और इसको जैसे जो है कूलर की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती किसान भाइयों को जी, कम जगह में एडजस्ट हो जाती है और फैट और कम दाने में फैट भी बहुत बेहतरीन होता जी, है जी, इसका जी। जैसे काली जर्सी एचएफ या उनसे जो है बहुत लाख गुना बेहतर होता है जी जी। लगभग ये मान के लिए 4.5 का फैट इसमें मिल जाता है जी जी। कितना दिन समय है सर इसको बच्चा देने में? बच्चा देने में लगभग जो है 15 दिन का समय लेगी जी जी, 15 दिन अभी बच्चा देने में इसका जो है लगेगा। कौन सी बार बच्चा देगी सर ये? इस बार जो दूसरी बार बच्चा देगी जी जी। और लगभग ये मान चिले भैया जो है 14 किलो 15 किलो दूध कर देगी, 14-15 किलो कर देगी, आसानी से कर देगी। तो इस गाय का क्या डिमांड है सर? इस गाय को जो है हम 45,000 रुपये में जो है उपलब्ध करा देंगे। 45,000 में जी, यानी कि अगर इस तरह की 14 से 15 लीटर वाली गाय, पशुपालक जो डेयरी फार्मर है जी, उनके लिए जो है हमारा खास उनके लिए जो एक मैसेज है जी, कि अगर जो नए लोग हैं तो ऐसी गाय अगर रखेंगे तो बिल्कुल कभी फेल नहीं होंगे जी जी, बिल्कुल सक्सेस होंगे। वो कम जगह में कम खर्चे में ज्यादा दूध उनको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा जी, क्योंकि ये बहुत ऑर्डर करती हैं। अब इससे पहले भी हमारे कई जो है कई गाय जो है यूट्यूब पे मैंने दिखाया है अगले ही सप्ताह, जो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही हैं। और एक और गाय है देख सकते हैं, ये गाय जो है ताजी ब्याई हुई है और काफी जो है इसका भी जो है कम्पैक्ट ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। पहली बछिया है और फर्स्ट टाइमर है, थनों के बीच जो गैप है उसको भी आप देख सकते हैं। बच्चा क्या है सर? बच्चा बछड़े को जन्म दिया इसने। बछड़ा है जी। कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए? बच्चा दिए हुए 3 दिन हुआ इसका। 3 दिन हो गया जी, अभी नाभि लगा है, नाल लगा। अभी तो फेंसा में होगी सर? बिल्कुल टॉस में होगी, वहीं रख दीजिए, वहीं रख, घुमाइए मत, बच घूम पाएगी, छोड़। दांत में दो दांत की है सर? दो दांत की है, बहुत सुंदर बच्चिया है। तो अभी कितना अभी फेंसा में कर रही है सर? अभी ये 9 लीटर दूध कर रही है दोनों टाइम मिलाकर। दोनों टाइम मिलाकर तो कितना उम्मीद करते हैं सर इससे? दूध ये 9-10 लीटर करेगी, मतलब 9 से 10 में, हाँ 10 लीटर जो है करेगी जी जी। और सेकंड टाइम में जो है 12 किलो दूध करेगी। तो देख सकते हैं फर्स्ट टाइमर जो है बछिया है, दो दांत की है और बच्चा जो है इसका बछड़ा है। बहुत ही शांत है, इसको
कहीं भी जो है बांध के रखा जा सकता है जी, कम जी से कम जगह में। फैमिली का वो है घर पर रखने के लिए, बिल्कुल ठीक है सर। अगर छोटा परिवार है तो क्या इसका डिमांड रखे हैं सर? इसका डिमांड जो है 45,000 रुपए लास्ट देने वाला रखे हैं जी जी। 45,000 रुपए में जो है बच्चे हम उपलब्ध करा देंगे। तो देख सकते हैं इस गाय का डिमांड जो है 45,000 है, 45,000 है। बाट बहुत अच्छा है जी जी। गैप देखिए जो है बहुत बेहतरीन गैप है, एकदम शांत बछड़ी है। दुहान भी बहुत अच्छा है इसका जी जी जी, एकदम शांत है। नई बछड़ी अभी दो दांत, तो एकदम बच्चे है। अगर किसान भी ले जाते हैं तो 3 बयान 4 बयान तक इसको आसानी से रख सकते हैं आराम से। नई बछड़िया जो है देखिए इनका जो है देसी नस्लें हैं जी जी, तो इनका जो है 8 से 10 बयान तक तो आसानी से रखा जा सकता है जी। क्योंकि छोटी गाय है जो है तो ये लंबे समय तक ऐसे भी चलती हैं जी, और कम जगह में भी रह जाएगी, ज्यादा कम जगह जो है बेहतर दूध करेंगी जी जी, और बहुत बेहतरीन। इस गाय को भी घुमा करके हम आपको इस गाय के ऑर्डर की बनावट हम दिखा दे रहे हैं। तो इस गाय के बारे में सर बता दीजिए। ये गाय भी जो है दांत में 4 है जी जी, और 4 दांत में फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है जी जी जी, क्योंकि अपने घर की नहीं है जी जी। तो वैसे हमारा जो अनुमान कहता है वो सेकंड बार की ये बच्चा दी हुई है, बच्चा देगी सेकंड बार बच्चा देगी। इसका हम्प बहुत ही बेहतरीन, अडर, नाभी, गलकम्बल सभी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी बछड़ी है। अब अच्छी थी जी जी जी, अब अच्छी थोड़ा जो है कुछ इसमें लेकिन लग गया है जी। बढ़ा दीजिए, इधर घुमा दीजिए। क्या वो लेकिन लग गया सर? इसका जो है एक बाट जो है गाड़ी में लाने में जी जी, एक बैठ गई गाड़ी में, दूसरी गाय ने पैर रख दिया, इसका एक बाट कट गया है नीचे। अच्छा, ये वाला चोट लग गया इसको थन में जी जी जी, ये गाड़ी में लाने में हो गया सर? गाड़ी में लाने में जो है इसका थन जो है नीचे से जो है चोट खा गया है जी जी। तो अब इस पे तो अब डॉक्टर को दिखाया जाएगा, क्योंकि रात को उतरी है जी जी, तभी सुबह जो है इसको अब डॉक्टर को दिखाया जाएगा। और बाकी इस पे स्थान का तो अब कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है जी जी। लेकिन हम तो हिसाब से बेचेंगे कि जो है 3 थन मानकर ही लोग इसको अब ले जाए जी जी, अगर जो किस्मत में होगा तो सही भी हो सकता है, यानी कि 3 थन कह करके ही आप जो है इसको सेल करके अब इसको हम जो है आधे दाम में आज जो है इसको सेल करने के लिए तैयार है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे डेयरी फार्म पे ज्यादा पशु आते हैं जी जी, और ज्यादा गौ आने के कारण हम लोग थोड़ा जो है इन पे कम समय दे पाते हैं जी जी। तो जो किसान भाई ले जाता है अगर कोई सेवा करने के लिए, जो बेहतर सेवा कर लेगा, तो इसको हम हाफ रेट में उपलब्ध करा देंगे। तो कितना दिन समय है सर बच्चा इसको बच्चा देने में? लगभग 1 सप्ताह का समय लेगी, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह का। लेकिन ये ब्रीडिंग पर्पज बहुत बेहतरीन गाय है जी जी, 3 थनों से दूध तो बराबर उतना ही देगी जितना वो 4 थनों से देती। तो 3 थन से क्या आप उम्मीद करते हैं सर? 3 थन से कितना भी कम दूध करेगी जो है 12-13 लीटर दूध तो आराम से करेगी, मैंने 10 प्लस कर देगी। 10 प्लस तो उसको बिल्कुल करना ही करना है जी जी। जो क्वालिटी है बहुत टॉप क्वालिटी का है। तो क्या इसका डिमांड रहेगा सर? अब इसको हम 35,000 रुपए में उपलब्ध करा देंगे। 35,000 रुपए में? अगर थन सही रहता सर तो इस तरह की गाय आपके यहाँ कितना तक उपलब्ध हो जाए? इसको हम 65,000 रुपए में सेल करते हैं। 65,000 में? तो देख सकते हैं एक इस गाय का जो है गाड़ी में लाते हुए एक थन जो है थोड़ा सा कट गया है, ये 3 ही थन मान रहे हैं कि 3 थन कह करके ही हम इसको सेल करेंगे। अगर कोई किसान भाई इच्छुक हो इस गाय को लेने के लिए तो मात्र 35,000 में ये गाय जो है यादव डेयरी फार्म लखनऊ पर सेल के लिए उपलब्ध है, और काफ़ी जो है अच्छी गाय है, नस्ल में भी अच्छी गाय है। अगर बछिया अगर जी जी बछिया दे देती है तो तभी बेहतरीन है, लेकिन ये खुद भी जो है बहुत बेहतरीन, अभी नई है, लंबे समय तक चलेगी। बेहतरीन इसका जो मत्था आप देख सकते हैं जी जी, मत्था, हम्प, गलकम्बल सभी बहुत बेहतरीन गाय है। आँख की कजली, पूंछ काली, सभी एकदम बेहतरीन है। थनों का गैप बंद, तो अक्सर में हम कहा करते हैं जी जी, ये कच्चा काम है, इसमें हानि और लाभ जो है दोनों जो है आपको लगा रहेगा जी जी जी। बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि नहीं ये तो देसी हो या विदेशी हो जी जी, कोई भी नस्ल का पशु हो जी, आप अगर जिस पे व्यवसाय कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आप हानि और लाभ दोनों लेकर चलना होगा। अगर जो आप नए किसान पशुपालक भाई जो है अधिकतर शुरुआत में फार्म खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और उनको जरा सा ही पहले से धक्का लगा, झटका लगा जी जी, पशु अस्वस्थ हुए तो घबरा जाते हैं जी, उनको लगता है नहीं ये बहुत ही कच्चा काम है। आप बिल्कुल लगन और सेवा से इस चीज इस कार्य को करिए, किसी भी काम को आप बराबर निरंतर उस पर करते रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलनी है जी।
तो एक और गाय है, इस गाय को भी जो है चलवा करके हम पीछे से अडर की बनावट देख सकते हैं। थनों के बीच आप देख सकते हैं काफी जो है अच्छा जो है गैप है, और पीछे से भी जो है इस गाय के अडर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं। हेलो, और ये भी जो है बच्चा देने वाली है, दूसरी बार बच्चा करेगी। जी जी, और लगभग 10 दिन का समय लेगी बच्चा करने में। 10 रोज समय है सर बच्चा देने में। दूध ये करेगी जो है 13-14 लीटर, क्योंकि क्रॉस ब्रीड है। जी जी, बाठी से साहिवाल का मिक्स है। जी जी, देसी का देसी से मिक्स होने पे इसका थनों का जो गैप है वो बेहतरीन ऑर्डर करेगी और 14 किलो दूध करेगी। 14 केजी उम्मीद है सर, 14 किलो दूध करेगी। पीछे से भी जो इस गाय के अडर की बनावट और थनों के बीच गाय आप देख सकते हैं, और इस यह भी गाय जो है बच्चा देने वाली है। तो इस गाय के बारे में जानेंगे कि कौन सी बार जो है बच्चा देने वाली है, दांत में कितनी है ये दांत में सर? ये क्रॉसब्रीड जर्सी है, दांत में तो ये बराबर पूरे कर ली है इसने, 8 दांत अपने जी, और ये उम्र में जवान है अभी जी। दूसरी बार बच्चा ये जो करेगी तो क्या उम्मीद करते हैं सर इससे दूध का? दूध ये 14 लीटर करेगी। 14 लीटर कर देगी, 14 लीटर दूध कर देगी आसानी से। तो क्या इसका डिमांड रहेगा सर? ये भैया जो है 45,000 रुपए में उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, 45,000 में देख सकते हैं। एक और गाय है, मनी से सौदा हो जाए। इस गाय का भी जो है काफी जो है इस गाय के ऑर्डर की बनावट आप देख सकते हैं। थनों के बीच जो गाय है उसको भी आप देख सकते हैं, और ये भी गाय जो है बच्चा देने वाली है। इस गाय के बारे में जानेंगे कि कितना दिन समय है इसको बच्चा देने में, और कौन सी बार जो है बच्चा देने वाली है। इस गाय के बारे में बता दीजिए सर। ये जो है इस बार सेकंड टाइम बच्चा करेगी। जी जी, और लगभग ये 4 से 5 दिन में बच्चा कर देगी। जी जी, 4-5 रोज ही समय इसको बच्चा देने कर देगी, पहले भी कर सकती है। खड़ा कर दीजिए ना। तो क्या इसका उम्मीद करते हैं सर? दूध ये करेगी कम से कम जो है 12-13 लीटर दूध करेगी। आज का पोजीशन जो दिख रहा है जी जी, ये 12-13 लीटर से दूध कम नहीं करेगी, 12-13 कर देगी, बिल्कुल कर देगी। तो क्या इसका डिमांड रहेगा सर? इसको जो हमने सेल कर दिया है जी जी, 45,000 रुपए में जो हमने इसको सेल कर दिया। अच्छा, ये सेल होकर कहाँ गई है सर? ये MP जाएगी। अच्छा, MP जाएगी, ले चलिए पानी। तो देख सकते हैं ये गाय जो है सेल हो चुकी है, जो मध्य प्रदेश से आएगी, और इस ये गाय जो है 45,000 यानी कि 45,000 में जो है बिक चुकी है। और एक और गाय है देख सकते हैं, बच्चा जो है दे चुकी है, और इस गाय के जो ऑर्डर की बनावट है और थनों के बीच जो गैप है उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बच्चा इसका जो है सफेद है, बछड़ा है बच्चा। तो ये कौन सी बार जो है बच्चा दी है सर? ये जो है दूसरी बार बच्चा की है। जी जी जी, बछड़े को जन्म दिया है इसने। आज लगभग 3-4 दिन हो गया, 4 दिन बच्चा किया हुआ है इसका। तो अभी कितना दूध दे रही है सर दोनों टाइम? दूध अभी जो है प्रेजेंट में जो है 7 से 8 किलो आया है, क्योंकि 4 दिन बच्चा किया हुआ है। जी जी जी, 7 से 8 लीटर दोनों टाइम का, 10 लीटर दूध करेगी, 10 लीटर दूध करेगी। जी जी, तो आप देख सकते हैं इस गाय का जो है मिल्क कैपेसिटी जो है 9 से 10 लीटर रहेगा। तो क्या इसका डिमांड रखे हैं सर? डिमांड तो इसका हम 50,000 रुपए रखे हैं। 50,000, लेकिन अब ये मिल्क पे नहीं चल रही है। जी जी, तो बिल्कुल इसमें निश्चित है जो है इसमें नुकसान होगा और घाटे पे बिकेगी। जो सभी गाय है सर, लगभग सभी गाय जो है 50, आज जो लगभग जो सभी गाय है सभी 40, 42, 45 जी और जी। 50 के भीतर की सभी हैं वर्तमान में, जितनी भी हमने आपको दिखाई हैं जी। तो इससे जो भारी भरकम जो गाय थी जो 15 लीटर प्लस की 18, 20, 22 इस रेंज की जो गाय थी सभी क्रॉस ब्रीड थी और रात को जो सेल हो गई हैं। जी जी, लगभग 17 से 18 गाय जो भारी भरकम जो रात को सेल हुई हैं। जी जी, उनकी जो एक हम कीमत किसान भाइयों को जरूर हम बताना चाहेंगे जी, कि हम 55 से 60 हजार रुपए में जी बेहतरीन अच्छी गाय जो है हम उपलब्ध करा देंगे जी। जो डेयरी फार्मर जो है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उनको रख के बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं। ये तो ऑप्शन गाय है जो है अपने फार्म पे भी रख सकते हैं और दूध खाने के लिए भी रख जी, सकते जी, हैं जी। लेकिन और जो हाईवी मिल्किंग जो गाय है वो हम 55 से 60 हजार रुपए में उपलब्ध करा देंगे जी, क्योंकि अभी भैंस का सीजन आ रहा है, हमें उम्मीद है कि जो है बिल्कुल रेट में कुछ ना कुछ तब्दीली होगी जी, जी। और आगे जो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आगे और कुछ राहत रेट में मिलेगा जी जी। इससे पहले जो है काफी ज्यादा रेट था और अब राहत मिल रहा है, हर लॉट पे जो है कुछ ना कुछ जो है हमें दिख रहा है कि जो है, और हमारे पास एक चीज जो है जरूर आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो भी गाय हमारी खरीदी होगी जैसे जो खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल के हम उसको कम से कम जो है उसमें किसान भाइयों को उपलब्ध करा देते हैं जी।
सा त्रास में लाए गए हमारे पास पुराना रेट जो हमारा था, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी में जो है किसान को उपलब्ध कराते रहे। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज हमारे फार्म पे आप आए और अचानक आए, बिना बताए हुए आए आप हमारे फार्म पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास गाय भी, हमने आपको अच्छी अच्छी गाय दिखाई जो भी हमारे पास है, और आगे से आप हमारे फार्म पे चित्र आते रहे। किसान भाइयों को अपने चैनल के माध्यम से उन तक जो है हमारे फार्म का ये वीडियो पहुँचाते रहे, यही आपसे जो है आगे हमारा जो निवेदन है। आप जल्दी जल्दी फार्म पे आकर किसान भाइयों तक जो है हमारे फार्म का वीडियो जो दिखाते रहे, क्योंकि किसानों की मांग है। कई लोग फार्म पे हमारे पास फोन करके बताते हैं कि मेरे भैया से बात हुई है, भैया आज हरियाणा है, आज बाहर है, क्योंकि आप इस समय बाहर का जो है ज्यादातर वीडियो जो है ज्यादा कवरेज कर रहे हैं, लेकिन आप जो है लखनऊ में भी कुछ फार्म चल रहे हैं, उनको जो है उचित समय देकर उनका जो है कवरेज करते रहिए। बहुत बहुत